जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पोल्ट्री फार्मिंग में अमोनिया की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही आम है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इससे खासकर ठंडी का अगर मौसम चल रहा है तो भाई और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि ठंडी में इस तरीके का पर्दे खोलने का टाइम बहुत ही कम मिल पाता है, क्योंकि धूप उतनी अच्छी निकलती नहीं है, पूरे पर्दे जो है बंद रहते हैं, ठंडी में बहुत ही कम पर्दे खुल पाते हैं, जिसकी वजह से अमोनिया की जो दिक्कत होती है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अमोनिया कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसमें जो ये इस तरीके की मतलब सूखी भूसी होती है वो सब कुछ डालने की कोशिश करते हैं, चूना डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बाद भी इतना सब कुछ करने के बाद भी हमें उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो आज की इस वीडियो में उसके बारे में ही जानेंगे कि हम लोग जो है क्या अलग कर रहे हैं अपना अमोनिया कंट्रोल करने के लिए, जिससे हम अपना अमोनिया कंट्रोल कर सके। तो मेरा सवाल ये है कि आप अपने फार्म के अंदर अमोनिया कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं। हाय यार, मैं हुसैन अली खान, आप देख रहे हैं दाबरू पोल्ट्री। तो मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं अमोनिया कंट्रोल करने के लिए। तो ये जो है हम लोग लेके आए हैं सिंगल सुपर फॉस्फेट, ठीक है, ये हमारा है सिंगल सुपर फॉस्फेट। ये आप देख लो, इसको आपको कैसे लेना है पहले ये जान लो। ये जो आपको चाहिए, ये आपको चाहिए पाउडर फॉर्म में, इस तरीके का पाउडर फॉर्म में चाहिए, और ये दाने फॉर्म में भी आता है, तो दाने वाला मत लेना, नॉर्मली जो पाउडर फॉर्म में आता है वही लेना, ठीक है। सिंगल सुपर फॉस्फेट आपको चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ आपको क्या चाहिए, ये चाहिए आपको चूना। सिंगल सुपर फॉस्फेट और चूने को आपस में जो है आप अच्छे से मिला लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप ये मान लो कि आपका 1000 का बैच है ये, ठीक है, 1000 का बैच है, तो आप क्या करेंगे 20 किलो जो है सिंगल सुपर फॉस्फेट मिला लीजिए और 10 किलो चूना मिला लीजिए, यानी कि टोटल आपका हो गया 30 किलो। अब आप इस 30 किलो को क्या करेंगे, अभी तो ये सिंगल सुपर फॉस्फेट रखा हुआ है, अभी ये चूना है, चूना इसके अंदर मिलेगा, फौरन चूना डाल, तो ठीक है, तो ये सारे जो हैं इसमें मिलेंगे, ठीक है, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, और फिर आपको क्या करना है, ये दोनों तो अभी कुछ देर में मिल जाएंगे, अभी इसके बाद आपको रैकिंग करना है, ठीक है, खासकर जहाँ पे इस तरह का ड्रिंकर उंकर लगा रहता है वहाँ, या फिर जहाँ पे ज़्यादा बैठते हैं वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही दिक्कत होती है, लीटर बहुत ज़्यादा गीला हो जाता है, ठीक है, तो उस सब जगहों पे पहले रैकिंग करना है। रैकिंग करने के साथ साथ, ठीक है, रैकिंग करेंगे, एक आदमी रैकिंग करता रहेगा, एक आदमी पीछे से जो है सिंगल सुपर फॉस्फेट डालता जाएगा। तो अभी तो ये देखो, अभी जो है फरहान ने मिला दिया है, चूना उना डाल दिया है, तो पूरा का पूरा जो चूना था अपना 10 किलो चूना था, ठीक है, वो पूरा का पूरा इसके अंदर मिल चुका है, ठीक है, ये चूना इसके अंदर मिल चुका है। और इसको जब आप मिलाएंगे ना, तो आपके हाथ में होना चाहिए ग्लव्स, नॉर्मल हाथों से आप इसको नहीं मिलाएंगे, सिंगल सुपर फॉस्फेट और चूने को आपस में जो है सिंगल मतलब हाथों से नहीं मिलाएंगे, इसको ग्लव्स। तो जैसा कि जो है आपको इस तरीके से लेना है, और यहाँ पर आप देख रहे हो कि फरहान जो है वो रैकिंग कर रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ यहाँ पे हल्का हल्का इस तरीके से जो है हल्का हल्का सिर्फ डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का डालना है, इस तरीके से डालते चले जाना है। अगर बर्ड के ऊपर थोड़ा बहुत गिर भी जाएगा ना, तो उतना आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है, उतना ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, थोड़ा बहुत गिर जाएगा तो चलेगा, बर्ड का उतना नाक उक में दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आपका एक तरफ का तो पर्दा जो है कम से कम एक तरफ का पर्दा आपका खुला होना चाहिए। जब आप ये वाला काम कर रहे हैं तो कम से कम भाई एक तरफ का पर्दा तो खुला बनता है, ठीक है। अब सवाल आता है कि क्या इसको जो है मतलब कितने दिन पे करना है, क्या एक बार कर दिया इस तरीके से हमने छीट दिया, एक बार कर दिया तो क्या काफ़ी है कि बार बार करना पड़ेगा। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि 3 दिन पे 4 दिन पे आपको एक बार करना है, बहुत ही कम अमोनिया बन रही है आपका, मतलब डेली का डेली रैकिंग हो रही है, तो आप ये कर सकते हो, हफ्ते पे कर सकते हो, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा अमोनिया बन रही है, पर्दे उर्दे बहुत ज़्यादा नहीं खुल पा रहे हैं, नॉर्मली ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो उस कंडीशन में तो यार 3-4 दिन पे आपको एक बार इस तरीके से करना ही होगा। जितना आपका सुपर फॉस्फेट और चूना जितना आपका इसमें यूज होता है उतना लगाओ, और उसके बाद जो बचा हुआ है उसको मोड़ के प्लास्टिक में बंद करके वापस से रख दो, क्योंकि 3-4 दिन के बाद आपको फिर से उसको यूज करने की ज़रूरत पड़ जाती है। इसके साथ साथ ये अमोनिया जो है, अमोनिया तो कंट्रोल करता ही करता है, इसके साथ साथ जो भी मक्खी के मच्छर के या फिर कोई भी कीड़ा होता है जो इसके अंदर क्या लीटर मटेरियल के अंदर डेवलप होता है, खासकर मक्खियों के जो अंडे होते हैं वो लीटर के अंदर डेवलप होते हैं, उनको भी ये पूरी तरीके से कंट्रोल करता है। तो जहाँ पे भी आपके ज़्यादा दिक्कत हो वहाँ पे आप थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं, खासकर ड्रिंकर के पास आपको थोड़ा ज़्यादा डालना चाहिए, जहाँ पे आपके बर्ड बैठ रहे हैं वहाँ पे आप थोड़ा सा ज़्यादा डाल दो,
और किनारे किनारे पे जहाँ पे थोड़ा सा आपका सूखा है उतना आपको नहीं लग रहा है गीला, वहाँ पे थोड़ा कम डालोगे तो भी चलेगा, लेकिन हाँ आपको पूरे फार्म पे डालना है। ठीक है, इस तरीके से कर दो, इतना कर दो, आपको जो है अमोनिया से काफ़ी राहत मिलेगी और आपको जो है पहले ही दिन ही मतलब शुरुआत के 20 घंटे में ही आपको अमोनिया में काफ़ी अच्छा खासा फ़र्क देखने को मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो बस यार आज के इस वीडियो में इतना ही, मैं हूँ हुसैन अली खान, आप देख रहे हैं द ब्रो पोल्ट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग द ब्रो पोल्ट्री।